हेलो एवरीवन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू हिंज्ड आर्च के ऊपर बेस्ड अपन निकालेंगे यहाँ पे रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट की बात। वापस से हम लोग नॉर्मल थ्रस्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, किसके ऊपर? टू हिंज आर्च के। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने थ्री हिंज आर्च कंसिडर किया था और उसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया था रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट, और अब हम बात करेंगे टू हिंज आर्च के ऊपर सेम चीज। और क्वेश्चन आपके पास क्या है? यहाँ पे बोला गया है टू हिंज पैराबोलिक आर्च है, दैट मीन कि कुछ इस तरीके से होगा, वो टू हिंज पैराबोलिक आर्च है और उसकी जो लेंथ हमें दी हुई है वो लेंथ दी है एल 20 मीटर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट, और ये सेंटर पॉइंट होगा सी। और उसका जो राइज दिया हुआ है सेंटर पे एच, वो दिया है 5 मीटर, राइट right? और लोड दिया है 20 किलोन्यूटन पर मीटर का फॉर अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम ए। और लोड क्या है? 20 किलोन्यूटन पर मीटर और ए से 5 मीटर की डिस्टेंस पे लोड दिया हुआ है। तो यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पे ये यूडीएल लगाएंगे और यूडीएल है कितना? 20 किलोन्यूटन पर मीटर। इस तरीके से ये सस्पेंडर्स के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है इस पे, और ये डिस्टेंस है 5 मीटर। दैट मीन रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी, ये यहां से हाफ हो जाएगी 10 मीटर, और यहां से ये भी हाफ हो जाएगी 10 मीटर, राइट। तो ये भी आपकी क्या बचेगी? 5 मीटर। ये कुछ दिया, ठीक। और आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड बाइंडिंग मूवमेंट एंड नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट अ सेक्शन 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, लेफ्ट हैंड। मतलब यहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये सारे कैलकुलेशन पूछे गए, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको ये सारे कैलकुलेशन करने हैं, जिसमें आपको रेडियल शेयर भी निकालनी है, नॉर्मल थ्रस्ट भी निकालना है और बाइंडिंग मूवमेंट भी निकालना है। ये तीनों चीजें निकालनी। तो टू हिंज आर्च है, सबसे पहले मैंने बोला कैसा भी आर्च हो, स्टेप नंबर फर्स्ट अपनी क्या होती है? रिएक्शंस कैलकुलेशन। रिएक्शंस कैलकुलेशन जिसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं? वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन निकाल लेते हैं टू इंच आर्च के ऊपर भी। और इसके लिए क्या करना है? सेम चीज करनी है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, बी क्या अबाउट मूवमेंट लेना है। यहां पे एक रिएक्शन निकाल लगा दीजिएगा वी ए, और यहां पे एक वर्टिकल रिएक्शन ले लीजिएगा वी बी, और बी क्या अबाउट मूवमेंट ले लीजिए वी निकालने के लिए। तो कंडीशन बनेगी प्लस का वी ए इंटू 20 माइनस का 20 इंटू 5 इंटू 5/2 प्लस 15, और इसके अलावा तो कोई लोड है नहीं तो सीधा इक्वेट करेंगे इसको जीरो से, इसके अलावा कोई लोड नहीं, राइट। कैसे करिए इक्वेशन को? मैंने कंडीशन क्या कैसे बनाई? मैंने बोला टेकिंग मूवमेंट अबाउट वन बी, इसका मतलब बी का अबाउट मूवमेंट लेना, बी पे जाके खड़ा हो गया और ए की तरफ देख रहा हूँ, और वहां से क्या देखता हूँ कि पहले बी ए लग रहा है जो कि ऐसे आ रहा है, तो मेरे तरफ घूम के कैसे आएगा? ऐसे आएगा, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी होती है? क्लॉक की डायरेक्शन, मतलब प्लस का बी ए इंटू, मैं बी पे खड़ा हूँ तो मेरे तक की डिस्टेंस देख लीजिए उससे, तो 20 मीटर। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि ये यूडीएल लग रहा है जो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब नीचे की तरफ से ऐसे घूम के आएगा, मतलब ये एंटी क्लॉक हो गया, क्लॉक के अपोजिट हो गया, मतलब माइनस, तो माइनस। और यूडीएल में क्या लेते हैं? लोड इंटू डिस्टेंस बाय टू, तो लोड 20 का है इंटू डिस्टेंस कितने पे लग रहा है? 5 इंटू डिस्टेंस बाय टू, 5/2, तो 5/2 यहां तक की डिस्टेंस। लेकिन मैं कहां पे? बी पे खड़ा हूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और लेनी पड़ेगी, तो यहां से था कि 5 + 10 मतलब 15, तो ये 15 इसलिए मैंने ऐड किया। इक्वेट किया जीरो से, यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा वीए निकल के आ जाएगा, और वो जो वीए मेरे पास आ रहा है 87.5 आ रहा है, 87.5 किलोमीटर। ये मेरी वर्टिकल रिएक्शन है एट पॉइंट ए, वर्टिकल रिएक्शन ए पॉइंट। अब इसी तरीके से मुझे वर्टिकल रिएक्शन निकालनी है एट पॉइंट बी निकालनी है। तो बी के लिए मैंने क्या किया? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, एक तो तरीका वही है कि एक अबाउट मूवमेंट लेके वी एंटी क्लॉक इंटू 20 डिस्टेंस, फिर लोड इंटू डिस्टेंस करके निकाल लीजिए।
और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आपको वीवी अगर निकालना है तो टोटल लोड ले लीजिए, माइनस बीए कर दीजिए। टोटल लोड कितना है, 5 × 20 कर दीजिए, 20 का लोड लग रहा है और 5 पे लग रहा है, तो 20 × 5, और माइनस कर दीजिए वीए, वीए कितना था, 87.5, तो यहां से वीबी आ जाएगा और वीबी आपके पास आ रहा है 12.5 kN। मतलब एक तरीके से लोड और जो फर्स्ट रिएक्शन का डिफरेंस होता है वो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन होती है, तो वो आपने निकाली 12.5 kN टोटल लोड के जो बराबर है। तो इस तरीके से आप वर्टिकल रिएक्शंस निकाल सकते हैं, जो कि सेम है जैसे मैं आपको थ्री हिंज में बताता था, या जब मैं पहले बताता था इससे पहले कि जितने भी न्यूमेरिकल्स किए मैंने मूवमेंट्स के लिए, रिएक्शंस के लिए, उसमें भी मैंने आपको इसी तरीके से बताया, उसमें मैंने कोई बेसिक चेंज मैंने कहीं किए नहीं। अब इसके बाद मैं जाता हूं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये 2 इंच आर्च है, दैट मीन कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अपन ने लास्ट क्वेश्चन में 3 इंच आर्च पे निकाली, तो क्या किया था, सी का अबाउट मूवमेंट ले लिया, लेफ्ट से ले लो, राइट से ले लो, कहीं से भी ले लो, निकल जाती थी। बट यहां पे सी पे तो कोई हिंज ही नहीं है ना, क्योंकि ये 2 इंच आर्च है, यहां पे तो हिंज ही नहीं है, मतलब वहां पे मूवमेंट जीरो ही नहीं है, तो मैं इक्वेट कहां से करूंगा। तो ऐसे केस के लिए मैंने आपको 2 इंच आर्च के जब इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जब आपका 2 इंच आर्च होता है तो सी पे हिंज ना होने की वजह से आप एच को निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ डायरेक्ट कंडीशंस दी हुई, वो डायरेक्ट कंडीशंस मैंने बताई हुई थी कि किस किस लोडिंग के लिए आप क्या फॉर्मूला एच के लिए लगा सकते हैं। तो यहां पे आपके पास जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लगेगा, आप देख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस होती है इसको ए मान लिया जाता है, ये जो डिस्टेंस है ना इसको बोलते हैं ए, स्मॉल ए, और इसके बेसिस पे यहां पे जो कंडीशन लगती है वो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डब्ल्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 16 H L³, राइट, ब्रैकेट 5 L³ − 5 LA + 2 A³, ये कंडीशन बताई थी। और यहां पर आपके पास जो A है ना वो कितना है, वो L/4 के बराबर है, आपके पास जो A है वो L/4 के बराबर है। कैसे L/4 के बराबर, टोटल L कितना है आपके पास, 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करो, 4 से बोल रहा हूं, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला, इसको A बोलते हैं, A कितना है, 5 है। इसका मतलब जो A है वो L/4 के बराबर, इसका मतलब अगर A की जगह पे मैं इस पूरे फॉर्मूले में L/4 पुट कर दूं, इस A की जगह भी L/4 पुट कर दूं, इस A की जगह भी L/4 पुट कर दूं, इस A की जगह भी L/4 पुट कर दूं, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास एक कंडीशन निकल के आएगी, और वो कंडीशन आएगी 151/8192 WL²/H, ये कंडीशन निकल के आती है। तो अगर आपको ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है ना, तो आप सिर्फ याद रखो कि जब भी आपका यूडीएल लगा हो, क्या लगा हो, जब भी आपका यूडीएल लगा हो, और कहां लगा हो, L/4 पे लगा हो, तो उस कंडीशन में एच निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 151/8192 × WL²/H, इससे भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। और अगर आपको यह फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड है, आप सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगी, एल की सारी वैल्यू है आपके पास, बट ये याद नहीं है तो इसकी जगह ऑप्शनल आपके पास ये भी है, तो मैं इससे निकालता हूं। तो अगर मैं एच निकालूंगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एच, तो मेरे पास हो जाएगा 151/8192 × W मेरे पास है 20, ठीक 20 है मेरे पास, और L मेरे पास है 20² डिवाइड बाय H, H मतलब राइज है मेरे पास 5 मीटर, राइट, यहाँ पे W आपके पास कितना है 20, और L कितना है 20, तो उसको फुट किया डिवाइड बाय राइज मेरे पास 5 है, तो यहां से मेरे पास एच जो निकल के आएगा, एच कैलकुलेट करूंगा तो आ रहा है 29.492 kN, ये मेरे पास एच आ रहा है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगी या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी जो मुझे निकालनी थी। तो मेरी वर्टिकल रिएक्शन निकल गई, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकल गई, और हॉरिजॉन्टल कैसे निकालनी है इन द केस ऑफ जब यूडीएल आपका L/4 पे लगाओ, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जाएंगे सीधा स्टेप नंबर 2 पे और निकालेंगे मूवमेंट एट अ सेक्शन एट
5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, राइट। और 5 मीटर पे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है, राइट, मैं अपने हिसाब से नहीं निकालू, क्वेश्चन जो बोलेगा उस हिसाब से निकालना। तो यहां से आप एक सेक्शन काट लीजिए, जो कि यहां से x इक्वल 5 मीटर पे, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम में क्या होता है कि थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाता है। ये y है, 5 ही मीटर पे यूडीएल लगा है, ये आपकी वर्टिकल रिएक्शन va है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपकी h है, और ये पॉइंट आपका d, और आपको निकालना है md, मोमेंट एट पॉइंट d, यानी ये कंडीशन वाली। तो मोमेंट एट पॉइंट d के लिए पहले आपको y चाहिए रहेगा, y आपके पास क्वेश्चन मार्क है, y नहीं दिया। तो y के लिए सिंपल सा तरीका है कि y आप निकालते हैं कैसे, तो मैंने बताया था पैराबोलिक आर्च के लिए क्या होता है, 4h / l स्क्वायर x l माइनस x, x तो दिया है ना, तो आसान है, या तो 4 * h दिया है 5, l स्क्वायर दिया है 20 का स्क्वायर, x दिया है 5, 20 माइनस x दिया है 5, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y आ रहा है 3.75 मीटर, y की वैल्यू है 3.75 राइट। अब जैसे ही आपको y मिल गया, हम मोमेंट एट पॉइंट d निकाल सकते हैं, इसका मतलब d पे खड़े हो जाइए, d पे खड़े होंगे सबसे पहले va लगेगा, कैसे जाएगा ऊपर की तरह, मतलब क्लॉकवाइज, va * ये डिस्टेंस 5, तो प्लस का va * 5, उसके बाद यहीं खड़े हो जाएगा, h लगेगा एंटी क्लॉक, मतलब माइनस का h * y, y कितना है 3.75, उसके बाद यहीं खड़े रहेंगे, 20 जाएगा नीचे, मतलब एंटी क्लॉक, माइनस 20 * 5 * 5/2, राइट। इससे आपका md निकल जाएगा, आपको h पता है, va पता है, va आपका निकला था यहाँ पे 87.5, h आपका निकला है 29.492, याद रखिएगा जो h होता है वही ha होता है, इक्वल टू hb होता है, सब बराबर। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास md आएगा, पुट भी कर देते हैं, va अपने पास था कितना 87.5 माइनस ha था 29.492 * 3.75 माइनस 20 * 5 * 5/2, जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो md जो निकल के आएगा 76.905 किलोमीटर मीटर, ये मोमेंट आएगा d पॉइंट। तो d पॉइंट पे मोमेंट निकालना जो 3 इंच में निकाला था वैसे ही निकाला मैंने, सिर्फ उसके लिए आप क्या, ये फ्री बॉडी डायग्राम का ध्यान रखो कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, इसमें राइट वैल्यू पुट करो, md निकालना बहुत आसान। कैसे, डी पॉइंट पे खड़े हो गए, यहाँ से va देखा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे आएगा एंटी क्लॉक आएगा, माइनस va * 5, एच जाएगा ये भी एंटी क्लॉक आएगा, माइनस एच * परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, उसके बाद यहीं खड़े रहेंगे, ये भी नीचे जा रहा है, मतलब ये भी आएगा कैसे एंटी क्लॉक, तो वो कितना हो जाएगा माइनस 20 * 5 * 5/2, ये va जो है प्लस में जाएगा, क्लॉक वाइज जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये क्लॉक हो गया, और जो ऐसे जा रहा है वो एंटी क्लॉक हो गया माइनस, तो ये एच जा रहा है एंटी क्लॉक और यूडीएल एंटी क्लॉक जा रहा है, va आपका क्लॉक जा रहा है, तो इसलिए मैंने va को पॉजिटिव। तो इस हिसाब से आप md निकालेंगे, 76.905 किलोन्यूटन मीटर आ रहा है। अब बात करेंगे हम स्टेप नंबर 3 की, जिसमें हम निकालेंगे रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट। नाउ विल गोइंग टू कैलकुलेट द नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर, राइट। नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर की अब बात करते हैं। लास्ट जो स्टेप हम लोगों ने की, उसमें हमने कैसे रिएक्शंस निकालनी है, और मेनली 2 इंच आर्च के केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैसे निकालनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज नॉर्मली अपन कितने भी आर्चेस के क्वेश्चन करें, अपन को वर्टिकल रिएक्शन निकालने का तरीका एकदम सेम, सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन होती है 2 इंच आर्च के केस में, उसके लिए हमें पर्टिकुलर केसेस यूज करने पड़ते हैं, और किस कंडीशन में, किस लोड कंडीशन में कैसा केस लगाना है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। तो वो हमने देखा, उसके बाद बाइंडिंग मोमेंट एज यूजुअल जैसे हमने निकाला था नॉर्मली 3 इंच आर्च में वैसे ही निकाला, और रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट निकालने का भी तरीका ऑलमोस्ट हमारा वही है। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले क्या करिए कि आप ये देख लीजिए कि आपको कितनी डिस्टेंस पे इसने नॉर्मल थ्रस्ट रेडियल शेयर पूछा है। तो यहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पे पूछा है, मतलब ये सेक्शन आपका कटेगा। तो इससे हम ले लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपका क्या है, तो वो बन रहा है, ये आपका इंच है और यहां से ये 2 इंच तो आर्च बनेगा, यहां से डिस्टेंस 5 मीटर और ये डिस्टेंस है वाई, जिसको हम निकाल चुके हैं, और ये वाई हमने निकाला था 3.75, ये लोडिंग लगी हुई है,
20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद ये आपकी वर्टिकल एक्शन वीए और ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्शन एच, या इसको आप एच ए कह लीजिए। ठीक, आपने जो वीए निकाला था वो आपको पता है, वीए आपने कितना निकाला था, तो वीए हम ले लेंगे और जो एच हमने निकाला था वो हम एच ले लेंगे। तो वीए की वैल्यू हमारी थी 87.5। ठीक, वीए हमने इतना निकाला था और एच जो निकाला था वो 29.492 निकाला। किलो मीटर। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी रेडियल शेयर है नॉर्मल थ्रस्ट की बात करें तो एच ऐसे लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पहले आप एच डी लगा दें, इस पॉइंट को डी बोलेगा और यहां से आप एच डी लगा दीजिए। और वीए ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप यहाँ पे एक वीडी लगा दीजिए, वो वीडी फोर्स हो जाए। ठीक, और अब क्या करना है, तो अब मैंने आपसे बोला कि आपका जो नॉर्मल थ्रस्ट होता है, नॉर्मल थ्रस्ट वो क्या होता है, तो वो हम लोगों ने देखा था कि वो था एच डी कॉस थीटा राइट प्लस वी डी साइन थीटा, ये था नॉर्मल थ्रस्ट। और अगर मैं रेडियल शेयर की बात करूं तो जो रेडियल शेयर था वो था एच डी साइन थीटा माइनस वी डी कॉस थीटा, वो था रेडियल शेयर। अब मैंने इसके बाद बोला कि कभी भी रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट को आप फाइंड आउट करें तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूले सामने कर लीजिए। और आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है ये एच डी को कैलकुलेट करना, देन ये वी डी को कैलकुलेट करना, देन थीटा को कैलकुलेट करना, सेम इसमें भी। अगर आपको एच डी वी डी और थीटा मिल गया तो ये इस पर वैल्यू से पुट करनी है, आपकी रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट आ जाएगी। और मैंने बोला कि एच डी कैलकुलेट करना कोई बड़ा नहीं है क्योंकि एच डी इक्वल एच ए होता है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर ही होते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है ना जिसको आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे एच ए था वही एच डी हो जाएगा जो कि 29.492 किलो न्यूटन के बराबर, यही एच डी हो जाएगा। और अगर वीडी की बात करूं तो वीडी के लिए आप क्या करिए, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दीजिए। और क्या करती है, इसमें हम बोलते हैं कि ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस ले लेंगे, नीचे आने वाले को माइनस ले लेंगे, ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपकी फ्री बॉडी डायग्राम है इसमें ऊपर क्या जा रहा है, वीए जा रहा है, मतलब प्लस में ले लेंगे वीए को, प्लस का वीए, उसके बाद वीए ऊपर जा रहा है, इसके अलावा डाउनवर्ड में वीडी नीचे जा रहा है मतलब माइनस वीडी, और एक ये यूडीएल जा रहा है नीचे की तरफ मतलब माइनस, पूरा माइनस हो गया 20 × कितने पे 5 करोड़ नीचे जा रहा है। इक्वेट करेंगे जीरो से, वीडी उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वीडी इक्वल हो जाएगा वीए, वीए आपके पास था 87.5, ये प्लस का है माइनस 20 × 5, इसको अगर यहां से आप पीडी निकालते हैं अगर तो वीडी आपके पास आ जाएगा और वीडी आ रहा है 12.5 माइनस 12.5 किलो न्यूटन, और माइनस का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस का मतलब यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे है अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने आपको बोला कि आपका ये ऊपर की तरफ 87.5 जा रहा है, लोडिंग लग रही है 20 × 5 के नीचे राइट, तो 87.5 ऊपर गया, 20 × 5 मतलब 100 नीचे आया, और 87.5 ऊपर गया इसका मतलब नीचे, नीचे की तरफ कितना आ रहा है 12.5 का लोड ज्यादा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर नीचे डाउन हो सकता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसमें स्टेबिलिटी लेके आए, तो इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जो वीडी लगेगा वो डाउनवर्ड में नहीं लगेगा, वो क्या करेगा स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए लगता है, तो बैलेंस करने के लिए मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है माइनस में आया मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन है, तो माइनस प्लस कभी भी आएगा ना तो इसका मतलब ये होता है कि आपको बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर को बैलेंस कर, जितने ऊपर फोर्सेज आएंगे उतने ही नीचे होने चाहिए, तो ये जो वीडी है ना ये बैलेंस करने का काम करता है, अगर नीचे लगने की जरूरत पड़ रही है तो नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर लगने की जरूरत पड़ रही है तो ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये माइनस सिर्फ इसका मतलब है, बाकी वैल्यू आपको सिर्फ एज इट इज इसको माइनस के साथ में पुट करनी है, बाकी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका रीजन जो है मैंने वो बता दिया। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं, अब हमको थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए मैंने आपको बताया था कि स्लोप की कंडीशन होती है टेन थीटा इक्वल होता है डी वाई डी एक्स, और फॉर पैराबोलिक आर्च क्या होता है वाई इक्वल होता है 4h / l²
एक्स एल माइनस एक्स के बराबर। तो अब मैं लिख सकता हूं इसको टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फोर एच बाई एल स्क्वायर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूं तो टेन थीटा फोर एच बाय एल स्क्वायर तो एज इट इज बाहर हो जाएगा, एल एक्स का डिफरेंशिएशन एल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो फोर फोर रहेगा, एच की वैल्यू मेरे पास फाइव है राइस की, एल है ट्वेंटी तो ट्वेंटी का स्क्वायर, एल है ट्वेंटी माइनस टू इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है मेरे पास फाइव मीटर, ये फाइव हो एक्स मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ये आपकी एक्स फाइव मीटर। तो यहां से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो टेन थीटा जो कैलकुलेट होके मेरे पास आ रहा है, अगर मैं इससे सीधा निकालता हूं थीटा तो टेन इनवर्स में ये वैल्यू निकाल लीजिएगा, ट्वेंटी डिवाइड बाय ट्वेंटी का स्क्वायर, ट्वेंटी माइनस ये बचेगा टेन और ये ट्वेंटी से ये ट्वेंटी कैंसिल, तो यहां से थीटा निकल के आएगा 26.56 के बराबर, ये थीटा हो जाएगा राइट। अब इसके बाद आप इससे नॉर्मल थ्रस्ट निकाल दीजिएगा और रेडियल शेयर निकाल देंगे। तो नॉर्मल थ्रस्ट के लिए इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको एच डी आपके पास ये 29.42492, वी डी आपने ये निकाला माइनस 12.5 पुट करिए और थीटा आपके पास कितना है वो निकल गया 26.56। तो यहाँ से आपका जो एन टी आएगा वो आएगा 20.79 किलो न्यूटन के बराबर नॉर्मल थ्रस्ट। और रेडियल शेयर जो निकालेंगे आप इसी में वैल्यू पुट करके, सेम ये रेडियल शेयर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियल शेयर आपके पास आ रहा होगा 24.37 किलो न्यूटन, ये आपके पास आएगा रेडियल शेयर। तो इस तरीके से आप टू इंच आर्च पे भी रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशंस आपकी सेम है, ये थ्री पे या टू पे चेंज नहीं होती, टू और थ्री आर्च में जो डिफरेंस है बेसिकली वो सिर्फ सेंटर हिंज का है, जिसकी वजह से आपकी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो निकलती वहां पे मेजर चेंज आते हैं। उसको निकालने के लिए आपको टू इंच के लिए फॉर्मूले चाहिए रहते हैं, बट थ्री इंच में हम सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेके हम उनको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसके अलावा जो कैलकुलेशन होता है, चाहे वो वर्टिकल रिएक्शन की बात कर लीजिए, चाहे वो मूवमेंट की बात कर लीजिए, उसमें पॉजिटिव मूवमेंट हो जाए, नेगेटिव मूवमेंट हो जाए, रेडियल शेयर हो जाए, नॉर्मल थ्रस्ट हो जाए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज होते हैं। तो इसके लिए आप कैसे भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल करें, कैसी भी लोडिंग हो, आपका जो तरीका होगा वो बिल्कुल एज इट इज होगा, सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए। तो सिर्फ उसके लिए आपको केसेस याद रखना पड़ेंगे कि किस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा सस्पेंशन केबल एंड ब्रिज के ऊपर, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा सस्पेंशन एंड केबल ब्रिज का, और हम बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ टेंशन निकालने के क्वेश्चन जो है उसके ऊपर बेस्ड जो हमारे गर्ल्स हैं उनकी बात करेंगे। थैंक यू।